माधोनगर में दवाई का छिड़काव करते ही मसूर की फसल हुई नष्ट। किसान ने जनसुनवाई में कलेक्टर से की मुआवजे की मांग। जिले के रन्नौर थाना क्षेत्र के माधोनगर का रहने वाला एक किसान मंगलवार को जनसुनवाई में शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा, जहां उसने खराब दवा को बेचने वाले दुकानदार पर कार्यवाही और आरोपी से फसल नुकसान की राशि दिलाए जाने की मांग की है। माधोनगर के रहने वाले गुड्डा लोधी ने बताया कि 25 नवंबर को उसने अपनी मसूर की फसल में डालने के लिए 3,900 रुपये की दवा रन्नौत कस्बे के राजू राय की दुकान से खरीदी थी। जिस वक्त मसूर की फसल में दवा डाली थी, उस वक्त फसल में फूल आ गया था। दवा के छिड़काव के बाद मसूर की फसल का मूल फूल नष्ट हो गया। किसान ने बताया कि उसकी 10 बीघा की ज़मीन में मसूर की फसल पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, जिससे उसे करीब 3,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई और दवा की शिकायत जब रन्नौत कस्बे के दवा की दुकान के संचालक संजू राय से की, तो उसकी तरफ से उसे भी दवा देकर मारने की धमकी दी जा रही है। इसी की शिकायत को लेकर मंगलवार को वह जनसुनवाई में कलेक्टर के पास पहुंचा, आरोपी पर कार्यवाही और आरोपी से क्षतिपूर्ति की राशि दिलवाए जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? गुड्डा। कौन से गांव से आए हो? माधोनगर। तहसील कौन सी? कोलारस। तो क्या हो गया, ये क्या लेके आए हो साथ में? मसरा। मसूर? मसूर, मसूर। मसूर की दाल की खेती है? हाँ। क्या हो गया, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? दवाई से नष्ट हो गई है। दवाई डाली थी इसमें? हाँ। कहाँ से दवाई ली थी? राजू राय से। कहाँ पर? रन्नौत से। दुकान संचालक है राजू राय? हाँ। तो तुम्हारी अकेले करा हुई है कि और भी लोगों की करा हुई है? और भी भैया भी आए नहीं हैं। कितने बीघा फसल थी तुम्हारी? मेरी 10 बीघे। 10 बीघा तुमने पूरे मसूर करी थी? हाँ। तुमने शिकायत करी इसकी एकदम के रन्नौत करी थाने पर? कोई सुनवाई हुई वहाँ पर? नहीं भाई। तो कहाँ पर आए हो यहाँ पर? नहीं, यहाँ सीपरी आए। कौन के पास है? कलेक्टर के पास। तो कर दी।